Hey guys, welcome back to my channel. पिछली वीडियोस में हमने replica set से related questions को समझे थे. आज की इस वीडियो में हम replica set से related problems को समझेंगे, deployment के बारे में समझेंगे और deployment से related कुछ questions को करेंगे. तो बने रहिए मेरे साथ and do like, share and subscribe. तो हमारा पहला टॉपिक है problems with replica set. हम देखते हैं क्या क्या problems आती है replica set के साथ में. लेट सपोज कि हमारे पास ये तीन पोर्ट्स हैं एक एप्लीकेशन के लिए जो वर्जन 1 पर चल रहे हैं और हम चाहते हैं इस एप्लीकेशन को अपडेट करना वर्जन 2 पर. तो रेप्लिका सेट इसको कैसे अपडेट करता है? रेप्लिका सेट सारे पोर्ट को एक साथ डिलीट कर देता है एंड देन सारे पोर्ट को क्रिएट करता है. तो जब हमारे एप्लीकेशन के पुराने सारे पोर्ट डिलीट हो जाते हैं तो हमारी एप्लीकेशन का डाउन टाइम आ जाता है. हमारी एप्लीकेशन यूज़र को एक्सेसिबल नहीं होगी जब तक कि नए पोर्ट क्रिएट नहीं हो जाते हैं. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि हम रेप्लिका सेट के साथ अगर हम अपडेट करते हैं तो वहाँ पर हमें डाउन टाइम देखने को मिल सकता है. सेकंड प्रॉब्लम कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे वर्जन 2 पर आज हमारी एप्लीकेशन चल रही है और हम इसको प्रीवियस वर्जन पर वापस से स्विच करना चाहते हैं तो रेप्लिका सेट के साथ में हम वापस से स्विच नहीं कर सकते हैं. तो हमने दो प्रॉब्लम देखी है कि एक तो हम अपडेट करते हैं तो हमें डाउन टाइम मिलता है, सेकंड कि हम वापस से रोल बैक नहीं कर सकते हैं. इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है डिप्लॉयमेंट. डिप्लॉयमेंट के साथ में अपडेट कैसे होता है? डिप्लॉयमेंट यूज़ करता है रोलिंग अपडेट स्ट्रेटजी को. डिप्लॉयमेंट 1 by 1 पोर्ट को क्रिएट करता है, डिलीट करता है, क्रिएट करता है. तो इस तरीके से अगर एक पोर्ट डिलीट भी हो जाता है तो अदर पोर्ट्स वहाँ पर रहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन हमेशा एक्सेसिबल होगी यूज़र को, तो हमारी एप्लीकेशन का कोई डाउन टाइम नहीं आएगा. एंड सेकंड चीज़ कि अगर हम एप्लीकेशन को वर्जन 2 से वर्जन 1 पर रोल बैक करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन को हम डिप्लॉयमेंट के साथ में रोल बैक भी कर सकते हैं. तो इस तरीके से हमने देखा कि हम रेप्लिका सेट के साथ क्या प्रॉब्लम थी अपडेट के साथ में, अगर हम एप्लीकेशन को अपडेट करना चाहते हैं एंड डिप्लॉयमेंट के साथ में अपडेट कैसे करते हैं और कितना इजीली हम उसको रोल बैक कर सकते हैं. आगे देखते हैं. तो जब भी हम डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं तो डिप्लॉयमेंट के साथ में तीन चीज़ें बनती है, डिप्लॉयमेंट, रेप्लिका सेट एंड पोर्ट. अभी हम इसको आगे प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं और डिप्लॉयमेंट जब हम क्रिएट करते हैं तो किस तरीके से रेप्लिका सेट बनते हैं, किस तरीके से पोर्ट बनते हैं. आगे हम सारी कमांड्स को देखने वाले हैं. आगे हम ये कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं अभी डिप्लॉयमेंट के साथ में, तो चलो उन क्वेश्चंस को करके देखते हैं. तो हम आ चुके हैं अपनी लैब के अंदर और हम क्रिएट करने वाले हैं आज डिप्लॉयमेंट यूजिंग इम्पेरेटिव वे, यानी कि हम कमांड लाइन टूल का यूज़ करेंगे और डिप्लॉयमेंट को क्रिएट करेंगे, जिसमें आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमें डिप्लॉयमेंट क्रिएट करना है माई डिप्लॉयमेंट नेम से एंड इमेज यूज़ करनी है Nginx. तो हम कमांड लाइन यूज़ करेंगे kubectl create deployment my deploy hyphen hyphen image equals to nginx. तो ये हमारा डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो चुका है. हमने पहले भी बात की थी कि जब डिप्लॉयमेंट क्रिएट होता है तो तीन चीज़ें क्रिएट होती है, डिप्लॉयमेंट, रेप्लिका सेट एंड पोर्ट. उसको चेक करने के लिए हम कमांड यूज़ करेंगे kubectl get all कमांड. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो चुका है, हमारा पोर्ट क्रिएट हो चुका है, हमारा रेप्लिका सेट क्रिएट हो चुका है. यहाँ पर एक सर्विस हम देख रहे हैं वो है क्यूबरनेटीज सर्विस. ये एक बाय डिफ़ॉल्ट सर्विस होती है, हम सर्विसेज के बारे में आगे पढ़ेंगे. अब हम सबसे पहले देख लेते हैं kubectl get deploy करके hyphen o void. तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो Nginx इमेज को यूज़ कर रही है. ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है. और इसके अंदर हम एक और चीज़ देख सकते हैं, kubectl rollout history deploy, deployment name is my deploy. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक रिवीजन नंबर स्टोर हुआ है. रिवीजन नंबर अभी यहाँ पर 1 है, यानी कि अभी तक हमारी एप्लीकेशन अपडेट नहीं हुई है. जब भी एप्लीकेशन हम अपडेट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर तो यहाँ पर हमारा रिवीजन नंबर चेंज हो जाएगा. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है. सेकंड क्वेश्चन है कि हमें एप्लीकेशन को स्केल करना है 3 पोर्ट्स तक. तो स्केल कर लेते हैं kubectl स्केल कमांड को यूज़ करके, स्केल डिप्लॉय माय डिप्लॉय हाइफन हाइफन रेप्लिकास इक्वल्स टू 3. स्केल हो चुके हैं, देखते हैं हम पोर्ट को देख लेते हैं. kubectl गेट पोर्ट 3 हो चुके होंगे, अब ये सारे रनिंग के अंदर आ चुके होंगे. तो ये हो चुका है हमारा सेकंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन, हमें एप्लीकेशन को अपडेट करना है Nginx इमेज
की जगह पर हमें उसे एंजिनिक्स अल्पाइन इमेज को यूज़ करना है, तो सबसे पहले हमें उस डिप्लॉयमेंट को एक्सट्रैक्ट करना होगा यामल फाइल के अंदर, एंड देन हमें उसकी इमेज को चेंज करना होगा। तो सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, क्यूब सी टी एल गेट डिप्लॉय माय डिप्लॉय हाइफन ओ यामल। हाइफन ओ है यहाँ पर हमारा आउटपुट स्टोर करना है हमें, और यामल के अंदर स्टोर करना है। और फाइल का नाम क्या चाहिए हम दे सकते हैं, हम यहाँ पर दे देते हैं माई डिप्लॉय डॉट यामल। तो अब हम विम करके देख सकते हैं, तो ये हमारी पूरी फाइल है। यहाँ पर अब हम इमेज चेंज करने वाले हैं, एंजिनिक्स की जगह पर हम एंजिनिक्स अल्पाइन कर लेते हैं इसको, और इसको वापस से सेट कर देते हैं। सेव कर लेते हैं। अब हमें इस फाइल को अप्लाई करना है यूजिंग क्यूब सी टी एल अप्लाई कमांड, क्यूब सी टी एल अप्लाई हाइफन एफ माई डिप्लॉयमेंट फाइल। अब हमारी एप्लीकेशन अप्लाई हो चुकी है, हमें कैसे पता चलेगा अप्लाई हो चुकी है, अभी हमने इमेज चेंज की है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं क्यूब सी टी एल गेट डिप्लॉय हाइफन ओ वाइड ऑप्शन से, डिप्लॉयमेंट का नाम देना है नो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो माई डिप्लॉयमेंट नाम का एक डिप्लॉयमेंट है उसकी इमेज चेंज हो चुकी है एंजिनिक्स अल्पाइन, यानी कि हमारा एप्लीकेशन अपडेट हो चुकी है। तो हमने पिछली बार में देखा था कि रिविज़न नंबर स्टोर होता है, तो हम इस बार देखते हैं क्या रिविज़न नंबर स्टोर हुआ है। क्यूब सी टी एल गेट रोल आउट हिस्ट्री, सॉरी गेट नहीं आएगा यहाँ पर, रोल आउट हिस्ट्री डिप्लॉय, डिप्लॉयमेंट का नाम है माय डिप्लॉय। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दो रिविजन नंबर हो चुके हैं, रिविजन नंबर वन एंड रिविजन नंबर टू, यानी कि हमारी एप्लीकेशन अभी वर्जन टू पर चल रही है। तो ये हमारा था थर्ड क्वेश्चन जहाँ पे हमने एप्लीकेशन को अपडेट कर लिया। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि हमें एप्लीकेशन को रोल बैक करना है। रोल बैक कैसे करते हैं हम, तो हम यहाँ पर कमांड यूज़ करेंगे क्यूब सी टी एल रोल आउट अंडू कमांड, डिप्लॉयमेंट का नाम डिप्लॉय माई डिप्लॉय। तो यहाँ पर अब हमारी एप्लीकेशन हो चुकी है रोल बैक। तो ये हमारा था फोर्थ क्वेश्चन जिसमें हमने रोल बैक कर लिया। एंड फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हमें डिलीट करना है रेप्लिका सेट डिप्लॉयमेंट एंड पोर्ट। तो डिप्लॉयमेंट डिलीट करने के लिए हम यूज़ करेंगे क्यूब सी टी एल डिलीट डिप्लॉयमेंट माय डिप्लॉय। डिप्लॉयमेंट डिलीट करेंगे तो हम रेप्लिका सेट भी डिलीट हो जाएगा, पोर्ट भी डिलीट हो जाएगा। हम देख सकते हैं क्यूब सी टी एल गेट ऑल कमांड से, अभी हमारे पास ये पोर्ट दो बचे हैं वो भी टर्मिनेटिंग स्टेट के अंदर है, और हमारा सब कुछ फिर इसके बाद में ख़त्म हो जाएगा। डिप्लॉयमेंट रेप्लिका सेट एंड पोर्ट डिलीट हो चुके होंगे। इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं गाइस, आई होप आपको डिप्लॉयमेंट का यूज समझ में आया होगा, डिप्लॉयमेंट को आप क्रिएट कर पा रहे होंगे। आगे हम और प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।